Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning Classes. Today we are going to discuss the question of exercise 13. Last lecture में मैंने आपको SCF और LCM find करना सिखाया था, तो इसमें हम उसी से related question को solve करेंगे. Okay, start करते हैं. आपका first question में देखिए क्या है. Find the greatest number that will exactly divide this and this. आपको वो greatest number बताना है जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का SCF निकालना है. ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा, बाकी आपको काम खुद से ही करना होगा. द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू SCF ऑफ 840 एंड 2296. आपको क्या करना है, SCF निकालना है. आप चाहो तो डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो या फिर चाहो तो फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हो. ठीक है, तो आप डिवीजन से ही सॉल्व कर लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, इस मेथड से जो भी आपका SCF आएगा वही आपका आंसर होगा. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड each of 90, 108 and 126 without leaving a remainder. यहाँ भी देखिए आपको सेम काम करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो बिना रिमाइंडर बचे हुए. ठीक है, मतलब आपका रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो आपको इन तीनों का क्या करना होगा, SCF निकालना है. ठीक है, तो आप इसके लिए भी ऐसे ही लिख लेना, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू SCF ऑफ 90, 108 and 126. ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आप इस तरह से भी बना सकते हो. ठीक है, जो भी आपका SCF आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इतना आप खुद से कीजिएगा. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय 72 and 108. अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर हम देख रहे थे ग्रेटेस्ट नंबर था तो हम क्या कर रहे थे, SCF बना रहे थे. जब आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो आपका 72 और 108 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर का LCM लेना होगा. LCM जो आएगा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा. ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ 72 and 108. ठीक है, 72 और 108 का आप LCM ले लीजिएगा. ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. LCM तो आपको आता ही होगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 60, 90 and 80. देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर तो है बट यहाँ पे 5 डिजिट का कहा जा रहा है. ठीक है, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन तीनों का LCM लेना होगा. चलिए इसे बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, LCM ऑफ 60, 90 and 80. 60, 90, 80 का LCM आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 720. ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, मैंने ये निकाल कर रखा था. ठीक है, इतना कर लीजिएगा. फिर आप जानते हो कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 5 डिजिट का. आप ऐसे करके लिखिएगा, ना द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का, तो आपको पता है 10,000 होता है. ठीक है, 10,000 होता है. अब देखिए क्या करना है, जो आपने LCM निकाल कर रखा है उस LCM से आपको इसमें डिवाइड करना है, इस 5 डिजिट में आपको क्या करना है,
डिवाइड करना है। 720 से हमें डिवाइड करना है 10,000 में। डिवाइड करते हैं, चलिए 1 टाइम्स में आ जाएगा 720, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 8 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला 0 लिखेंगे, फिर अब हम देखेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में आ जाएगा, 3 टाइम्स में आपका आ जाएगा 0, 6, 1, 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4 और 6, तो ये वाला क्या हो गया आपका, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आप देखिए आपका जो लास्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, आप इस 5 डिजिट वाले नंबर में इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और डिवाइज़र को ऐड कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, इस 5 डिजिट के नंबर में इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइज़र को ऐड करेंगे, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 10,000 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 640 और ऐड क्या करना है 720, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10080, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, तो ये वाला ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 75, 45 एंड 60। यहाँ पे क्या करना है आपको, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 3 डिजिट का जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर था और यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर भी पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, आपका जो 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का, तो 999 हो जाएगा ना। अब इस 999 में आपको क्या करना होगा, इन तीनों का जो एलसीएम आया है उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे और जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसे हम इस 3 डिजिट के नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम आपको पहले वाले जैसा करना है, बट थोड़ा सा उसमें था कि उसमें हम डिवाइज़र को भी ऐड करते थे, बट इसमें हम सिर्फ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, जब स्मॉलेस्ट होगा तो हमें डिवाइज़र ऐड करना होगा और रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना होगा। ग्रेटेस्ट वाले में हमें क्या करना होगा, सिर्फ रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 5 का एलसीएम ऑफ 75, 45 एंड 60, देखिए यहाँ पे एलसीएम मैंने लिया है, एलसीएम आपका आएगा 900। अब आपको लेना है नाउ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स क्या हो जाएगा, 999। अब इस एलसीएम में क्या कहा था मैंने, एलसीएम में इस 3 डिजिट के नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 1 टाइम में क्या रिमाइंडर आएगा, 99। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 डिजिट का, आपको बताया था मैंने, जो 3 डिजिट का नंबर है उसमें आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपका सब्ट्रैक्ट करके आएगा 900। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लिविंग द रिमाइंडर 1, 3 रेस्पेक्टिवली। देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या बचता है आपका, 1 और 3 बचता है, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करता तो है, बट रिमाइंडर जो आपका बच रहा है वो 1 और 3 बच रहा है रेस्पेक्टिवली। मीन्स पहले वाले से 1 बच रहा है और दूसरे वाले से 3 बच रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों नंबर्स में से, अलग अलग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, 6 का 517 एंड 815, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 एंड 3। देखिए सबसे पहले 517 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 516, फिर 815 में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 812। अब रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एचसीएफ ऑफ 516 एंड 812। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा इन दोनों का, एचसीएफ हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो पूरा ये सॉल्व किया हुआ है, 516 से किया है, आप इसे देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इस 4 को यहाँ लिख के
और 8 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आपका एस सी एफ क्या आ जाएगा, जिससे डिवाइड होता है तो 4 आपका 4, और यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो आपको बिना इसे देखे सॉल्व कर लेना है, आप चाहो तो खुद से इन दोनों का एस सी एफ निकाल सकते हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 56 एंड 93, लीविंग द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जैसा 6 था वैसे ये है, यहाँ पे 2 नंबर्स थे और रिमाइंडर आपका 2 बच रहा था, यहाँ पे 3 नंबर है और रिमाइंडर भी आपका 3 है, तो आपको बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करना है। 37 में 1 करेंगे, 56 में 2 करेंगे और 93 में 3 करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा आपको क्या करना होगा, उन तीनों का एस सी एफ निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो एस सी एफ आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हो या फिर आप डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 37, 56, 93 था, रिमाइंडर आपका 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। नाउ हमने सब्ट्रैक्ट किया, 37 में 1, 36 आया, 56 में 2, 54 आया। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली मीन्स जैसे 37 है तो 37 के लिए इसका जो, जैसे ये फर्स्ट में है तो इसका पहला वाला इसी के लिए आया है, ठीक है। जैसे ये सेकंड में 56 है तो सेकंड में क्या है, 2 है, तो ये सेकंड वाला सेकंड के लिए आया है, तो यही होता है रेस्पेक्टिवली मीन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट किया सब में अलग अलग, और अब इन तीनों का एस सी एफ, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एस सी एफ ऑफ 36, 54 एंड 90। देखिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे एस सी एफ आ जाएगा 18, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस लीविंग द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखिए ये तो और भी ईजी है, इसमें कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो और हर एक केस में आपका रिमाइंडर 2 आ जाए। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में रिमाइंडर अलग अलग था, यहाँ पर रिमाइंडर सभी जगह तो 2-2 ही आ जाएगा, मीन्स इसमें भी 2 सबट्रैक करना है, इसमें भी 2 सबट्रैक करना है और इसमें भी 2 सबट्रैक करना है, और सबट्रैक करने के बाद क्या करना होगा, वही करना होगा, एस सी एफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये लिखा रिमाइंडर, लिखा 2 इन ईच केस, सबट्रैक किया 2 सब में, ये आ गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द एस सी एफ ऑफ 135, 180 एंड 420। यहाँ पे जो आएगा आपका इन तीनों का एस सी एफ, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो आप इन तीनों का एस सी एफ खुद से निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6, 8, 12, 15 एंड 20 लीव्स द सेम रिमाइंडर 5। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जब हम उसे 6, 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड करते हैं तो हर एक केस में, मतलब हर समय आपका हर यहाँ पे सेम है, मतलब कि सभी जगह आपका क्या बचता है, रिमाइंडर 5 आता है, ठीक है। रिमाइंडर आपका तीनों जगह सेम हो रहा है, तो आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट होगा तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाला जब होगा तो आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले आप इन तीनों का क्या करोगे, पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो आपका आएगा ना, उसमें आप क्या करोगे, इस रिमाइंडर को ऐड करोगे, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए, द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ 6, 8, 12, 15 एंड 20 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मैंने अभी आपको जैसा बताया कि इन तीनों का एलसीएम लेना है और उसके बाद आपको रिमाइंडर को ऐड करना है, तो रिमाइंडर आपका क्या है, तो आप यहाँ पे चाहो तो रिमाइंडर की जगह पे क्या लिख सकते हो, 5 है ना, तो आप यहाँ पे सीधा 5 लिख सकते हो। देखिए इन तीनों का एलसीएम निकाला हमने, क्या आया, 120। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 120
और प्लस किया हमने रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था आपका 5 किया, ये 125 आ गया। तो यही वाला क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, वो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 125। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27, 45, 60, 72 एंड 96। आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 27, 45, 60, 72 और 96 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों का आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 6 डिजिट का। तो सबसे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन देख रखा है कि पहले आपको इन सभी का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको वो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा जो 99 से करते हैं हम, और उसके बाद जो एलसीएम आएगा, एलसीएम से हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे 6 डिजिट वाले में, और लास्ट वाला क्या होगा आपका जो रिमाइंडर आएगा वही वो 6 डिजिट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है सारा, एलसीएम ऑफ दिस 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 एंड दिस, ये आपका एलसीएम है आप देख सकते हो। ठीक है, एलसीएम आपका आ जाएगा 4320। फिर हमने बताया था आपको कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 9999 और फिर 99। ठीक है, ये हो गया 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। फिर देखिए आपको क्या करना था, इस एलसीएम से आपको, एलसीएम से आपको क्या करना था, इसमें डिवाइड करना था 6 डिजिट वाले में। तो यहाँ देखिए डिवाइड कर रखा है, आप खुद से डिवाइड कीजिएगा, इसे डिवाइड किया 2 टाइम्स में आपका ये आया, सब्ट्रैक्ट किया फिर 3 टाइम्स में आपका आया, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 2079, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो अब क्या करना था, इस 6 डिजिट में आपको रिमाइंडर जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 997920। ठीक है, क्या था, 997920। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज़ अ हीप ऑफ ब्लॉक्स, कोई ब्लॉक्स का हीप है, हीप मींस क्या होता है, ढेर। अनिल मेक सेपरेट हीप ऑफ 28 ब्लॉक्स फ्रॉम देम, अनिल उस ढेर में से 28 ब्लॉक्स को सेपरेट करता है। शिल्पा मेक सेपरेट हीप ऑफ 32 ब्लॉक्स, और शिल्पा उस सेम हीप में से 32 ब्लॉक्स को सेपरेट करती है। नितिन मेक सेपरेट हीप्स ऑफ 42 ब्लॉक्स, नितिन उसमें से 42 ब्लॉक्स को सेपरेट करता है। ईच ऑफ देम फाइंड, सभी लोगों ने देखा कि 5 ब्लॉक्स जो है ना उस हीप को सेपरेट करने में 5 ब्लॉक्स हर एक केस में बच जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द हीप, तो उस हीप में स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगी ब्लॉक्स की। तो देखिए क्या करना होगा, सिंपल है, आपको इन ब्लॉक्स का एलसीएम लेना है और लास्ट में ये जो 5 बच जा रहे थे ना उसे आपको ऐड कर देना है। तो आप ये नोट वाला आंसर कर लीजिएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 28 32 42, एलसीएम आ जाएगा जो, उसके बाद आपको 5 ऐड कर देना है। ओके, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ सेपरेट टीम्स ऑफ 4 और 6 और 11 स्टूडेंट्स आर मेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के स्टूडेंट मिलकर अगर 4 या 6 या 11 स्टूडेंट की सेपरेट टीम बनाते हैं, 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ईच केस, तो 3 स्टूडेंट हर केस में बच जाते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगी स्टूडेंट की उस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपको जैसे 11 में मैंने बताया था 4, 6 और यहाँ पे 11 है, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना होगा और लास्ट में आपको ये 3 ऐड कर देना है। ओके, तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन, 4, 6 एक था और 4, 6 और 11 था, सॉरी 8 नहीं था, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 था। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करना है, एलसीएम ऑफ 6, 4 और 11 और प्लस में क्या करना है 3, तो एलसीएम देखिए आपका 132 आ गया
और रिक्वायर्ड नंबर में हमें 3 को क्या करना था, ऐड करना था, 135 आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 4 बेल्स रिंग टुगेदर। 4 बेल्स है, बेल्स मतलब घंटी होता है ना, वो एक साथ बजते हैं। इफ़ द बेल रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 2, 5, 8 and 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अगर बेल जो है वो 2, 5, 8 और 10 सेकेंड के इंटरवल पे बजती है तो आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो किस टाइम पे, कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए, आप इसका इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है द बेल्स विल रिंग टुगेदर इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एलसीएम आप निकालिएगा तो आएगा आपका 40, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में ही आएगा, क्योंकि सारा ये सब जो लिखा हुआ था 2, 5 ये सेकंड में था, तो ये भी आपका सेकंड में हो जाएगा। सो द बेल विल रिंग टुगेदर, बेल्स हो जाएगा, सॉरी, बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 40 सेकंड, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 13 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको एस लगा देना है, बेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इन अ जू 3 लायंस रोर टुगेदर एट 10 AM। किसी जू में 3 लायंस एक साथ रोर करते हैं 10 AM पे। 10 AM इज 10 बजे सुबह के क्या करते हैं, रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। इफ़ द लायन रोर रेगुलरली एट द इंटरवल ऑफ 10, 15 and 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। अगर वो लायंस जो हैं वो रेगुलरली 10, 15 और 12 मिनट के इंटरवल पे क्या करते हैं, रोर करते हैं, तो पूछा जा रहा है देन एट व्हाट टाइम विल दे रोर टुगेदर अगेन। तो किस टाइम पे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस टाइम पे वो दोबारा फिर से एक साथ रोर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइम बताना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना होगा, इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है, 10 का, 15 का और 12 का। 10, 15, 12 का एलसीएम जो आएगा वो आपका क्या होगा, क्योंकि मिनट में है तो मिनट में आंसर आएगा, और मिनट के बाद आप उसको आवर में चेंज करोगे, आवर में चेंज होगा तो, और उसके बाद आपको 10 AM में ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, द लायन विल रोर टुगेदर इज द एलसीएम ऑफ 10, 15 and 12। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 60, और ये मैंने कहा था मिनट में है तो मिनट में हो जाएगा। सो द लायंस, यहाँ पे एस हो जाएगा, लायंस विल रोर टुगेदर अगेन आफ्टर 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, 60 मिनट 1 आवर के बराबर होता है, 1 आवर। तो 10 AM में 1 आवर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 AM, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।